खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बड़ी कामयाबी, कैरेबियाई देश एंटिगा और बरबुडा के पीएम ने कहा भगोड़ा कारोबारी में हुई चौकसी जल्द भारत के हवाले होगा। एंटिगा के पीएम ग्रेस्टन ब्राउन बोले भारत और एंटिगा के संबंध बहुत अच्छे हैं, मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण केवल वक्त की बात है। ब्राउन ने कहा कि अगर अभी भारतीय एजेंसियां चाहें तो एंटीगुआ बरबुडा में मेहुल चौकसी से पूछताछ भी कर सकती हैं, बशर्ते वो पूछताछ के लिए तैयार हो। पेशे से हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने भारत से फरार होकर एंटीगा की नागरिकता ले ली है, उस पर 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोप है। पीओके के बालाकोट में आतंकियों के फिर सक्रिय होने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना इन्हें दोबारा तबाह करने के लिए तैयार है। पठानकोट और श्रीनगर समेत वायुसेना के 5 एयरबेस पर आतंकी हमले, ऑरेंज अलर्ट पर जारी, जम्मू में आर्मी कैंट के पास से एक संदिग्ध भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान आर्मी ले रही है अफगानिस्तान के आतंकियों की मदद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हुआ, हादसे में जमीन में धंस गया आधा विमान। आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर 32वें दिन भी सुनवाई जारी रहेगी, विवादित जमीन की खुदाई पर आज मुस्लिम पक्ष के वकील जवाब देंगे। अयोध्या पर 31वें दिन सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे।